जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं बुद्ध देवता जो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अभी तक वो वृश्चिक राशि में विराजमान थे, अब बुद्ध देवता धनु राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे बुद्ध देवता को मैं प्रणाम करता हूं। ओम श्री बुद्ध देवताय नमः। ओम श्री व्यापार धन धान्य बुद्धि विद्या प्रदायकाय नमो नमः। ओम श्री पितृ देवताय नमो नमः। अब पितृ देवता कह के मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, क्योंकि मेरी लगन जो है वो कन्या लगन है। तो ये बुद्ध देवता 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन शाम को 9:32 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इन बुद्ध देवता के धनु राशि में प्रवेश करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले सभी व्यक्तियों के जीवन पर क्या क्या शुभ या क्या क्या विपरीत अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उस सबसे पहले आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके बारे में मैं एक बार चर्चा करूं। जिस समय बुध देवता वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय आसमान में सिंह राशि उदय हो रही है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, चंद्र देवता नीच के हैं मगर वृश्चिक राशि में विराजमान है, शुक्र देवता पीड़ित है मगर वृश्चिक राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि की वजह से ही वो पीड़ित है, मंगल देवता सूर्य देवता और बुध देवता ये तीनों जाकर अब धनु राशि में विराजमान है, शनि महाराज अपने स्वयं के घर में कुंभ राशि में विराजमान है, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु जो हैं, बृहस्पति देवता धर्म के जो गुरु हैं, जो धर्म के देवता हैं, वो बृहस्पति देवता मेष राशि में विराजमान है। और यहां पर मेष राशि और धनु राशि के बीच में यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन का योग बना हुआ, क्योंकि मंगल देवता धनु राशि में विराजमान है और बृहस्पति देवता मंगल राशि में, यानी वैसे दोनों मित्र हैं आपस में और एक दूसरे के घर में जाकर बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में राशि परिवर्तन का योग भी बनता है, जिसके निश्चित रूप से शुभ परिणाम सभी राशि वाले व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। इसकी चर्चा मैं प्रारंभ करूं, उस सबसे पहले मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में उन सभी व्यक्तियों का जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए भगवान शनि देव से मंगल कामना करते हैं कि भगवान शनि देव आप सभी लोगों के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा करते रहें, आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। इस मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों को भगवान श्री शनिदेव जो यहां पर एक हाथी के ऊपर अपने अद्भुत स्वरूप में आनंद के साथ पालती मार कर बैठे हुए हैं, इस अद्भुत स्वरूप के दिव्य दर्शन कर शनि पीठ मंदिर 16/24 आने वाले सभी लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि भगवान शनि देव ने उनको बुलाया है। यहां पर हर किसी का आना संभव नहीं है, भगवान शनि देव स्वयं जिनको बुलाते हैं
केवल वही व्यक्ति यहाँ पर आ पाते हैं। इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनि देव से मैं आप सभी के लिए जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी अपनी परेशानियों के लिए भगवान शनि देव से यहां आकर प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों भक्तगणों को, आज मैं बुध ग्रह के इस राशि परिवर्तन पर डिटेल में समझाने जा रहा हूं, बात करूंगा मैं अब कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, केतु महाराज आपके सिर पर जब जाके विराजमान हो गए तो मित्र तो है नहीं आपके। अब मित्र नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी के कारक तो बनेंगे ही बनेंगे। गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा देंगे, बुद्धि आपकी विपरीत दिशा में काम करेगी, गुस्से में आप कुछ नुकसान भी कर सकते हैं, अपना ही एक्सीडेंट भी हो सकता है, सिर में चोट भी लग सकती है या फिर पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर बात मैं कर रहा था बुद्ध देवता की, तो बुद्ध देवता तो जाके विराजमान हो गए सूर्य देवता और मंगल देवता के साथ आपके वाहन पर, आपके मकान पर, आपकी माता के घर में, और शादीशुदा है तो आपके ससुर जी के घर में। तो ऐसी स्थिति में यहां पर सूर्य और बुध का जो आदित्य बुध आदित्य योग बनेगा, वो बुध आदित्य योग निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ पहुंचाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में उनको प्रमोशन, इंक्रीजमेंट और ट्रांसफर के रूप में, जो राजनीति में उनको एमपी एमएलए काउंसलर की टिकट के रूप में या सरकार में मंत्री पद के रूप में, आपके अपने मकान की प्राप्ति या फ्लैट की प्राप्ति या प्रॉपर्टी की प्राप्ति के रूप में, अपने वाहन की प्राप्ति के रूप में। मगर यहां बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ये सब चीजें, ये सब खुशियां इस समय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वो लोग जिनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी अपनी जो पर्सनल जन्म कुंडली है, क्योंकि ये जो मैंने विवेचना करी है वो आसमान की ग्रह स्थिति है, मगर आपकी पर्सनल जो जन्म कुंडली अगर उसमें बहुत ज्यादा खराब ग्रह हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानियां देंगे ही देंगे। और उस परेशानी का निजात पाने के लिए, उस परेशानी को दूर भगाने के लिए आपको स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा कि मेरे गुरुजी से हमारी बात कराई जाए, हमारा नाम ये है, ऐसा मैसेज आप व्हाट्सएप पर भेजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं हमसे मिलिए, स्वामी राज ऋषि से मिलिए, अपनी परेशानियों के ऊपर चर्चा करिए हमारे साथ। हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जो या तो साल में एक बार करने हैं या 2 साल में एक बार करने हैं या 3 साल में एक बार करने हैं, समझ रहे ना आप, कोई चक्कर नहीं लगाने, 21 फेरे नहीं लगाने, केवल घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से या स्वयं यहां आकर छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य धान और सुखों से भरपूर कर सकते हैं, अपनी कर्जों को दूर कर सकते हैं, परेशानियों को मिटा सकते हैं और अपने जीवन का सुखद समय प्रारंभ कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? अरे जाते जाते कन्या राशि वालों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। जय शनिदेव। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कोमला, मैं पंजाब तो हूँ। मैं यूट्यूब ते गुरु रजनीश जी दी वीडियो देखी, मैनू लग्या ये मेरी समस्या दा हल कढ सकदे ने। फिर मैं गुरु जी नाल वीडियो कॉल ते गल कीती, उन्हां ने मेरी सारी गल चंगी तरह सुनी ते मैनू मेरी समस्या दा हल दस्या। उस दिन तो मैं टेंशन फ्री हाँ। मैं गुरु रजनीश जी दा धन्नवाद करना चाहनी हाँ। गुरु जी धन्नवाद।